हेलो फ्रेंड्स, ये आज मैं कुछ ड्रेसिंग पैटर्न्स के वर्कशीट्स लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके बच्चों के लिए। इसमें मैंने जितनी कोशिश हो सके मतलब उतने पैटर्न्स डालने की कोशिश की है, और जो भी बाकी पैटर्न्स हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन का पैटर्न दिया हुआ है। आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं पेंसिल क्रेयॉन जिस चीज़ से भी वो कंफर्टेबल है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे से 3 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं तो वो मोस्टली क्रेयॉन से कंफर्टेबल होते हैं ड्रेस करने में, तो आप उन्हें क्रेयॉन से बोल सकते हैं। जैसे पहले उन्हें बोल सकते हैं कि वो ग्रीन क्रेयॉन से इसको ड्रेस करें, फिर कह सकते हैं कि उससे फिर रेड क्रेयॉन से करें, तो उनकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। और जैसे क्रेयॉन नहीं यूज़ करना चाहते तो स्केच पेन से भी आप उन्हें ये करने के लिए ट्रेसिंग करने के लिए कह सकती है। जैसे ये स्केच पेन से भी वो ट्रेस कर सकते हैं इसे। तो मैंने ये स्टैंडिंग लाइन के 2 पैटर्न्स बनाए हैं। फिर यहाँ पे स्लैंटिंग लाइंस के पैटर्न हैं, आप देख सकते हैं। तो बच्चों को आप बोल सकते हैं कि स्लैंटिंग लाइन के पैटर्न ट्रेस करने, फिर से ट्रेस करने। स्लीपिंग लाइन के पैटर्न्स हैं, इसमें काफ़ी पैटर्न्स हैं। तो इन्हें जैसे बच्चे ने एक कलर से इसे ट्रेस कर लिया है तो लास्ट में, क्योंकि बार बार वर्कशीट बनाना भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो नेक्स्ट टाइम आप उन्हें डिफरेंट कलर से कोई और कलर सेलेक्ट करने कह सकते हैं और उससे ट्रेसिंग करने कह सकते हैं। तो बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आता है, वो इन्जॉय करते हैं और आपका भी टाइम काफ़ी बच जाता है। तो आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसमें मैंने कौन कौन से पैटर्न डाले हैं। आप इसकी वर्कशीट घर पर प्रिपेयर कर सकती हैं। और ये भी कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, इसे भी तैयार करना बहुत ही इजी है। यहाँ पे भी कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, इन्हें भी क्रेयॉन पेंसिल या स्केच पेन जिससे भी बच्चा कंफर्टेबल है उससे वो ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ पैटर्न दिए हुए हैं। ये भी सारे पैटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं और बच्चों का टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। अगर बच्चे की हैंडराइटिंग ख़राब है तो उसकी हैंड ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन यह है कि वो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स हैं और बहुत इजी है। आपको ये सारी वर्कशीट बनाने में मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स लगेंगे। यहाँ पे भी काफ़ी पैटर्न्स हैं। जो बच्चे क्लास 1 में हैं उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है, जो प्रॉपरली लिखना नहीं चाहते। तो अभी तो लॉकडाउन का टाइम है और छुट्टियां ही है बच्चों की ऑलमोस्ट, तो मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको क्या एक्टिविटी दी जाए, तो आप ये सारी एक्टिविटी उन्हें करने के लिए दे सकते हैं। मैं ये वापस से आपको ये वर्कशीट्स एक और बार बता देती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख कर इसे घर पर प्रिपेयर कर सकें। आप वीडियो को स्टॉप करके भी इसे वर्कशीट को रेडी कर सकते हैं देखकर। और आपको कोई और क्वेरी है, कोई और वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सी वर्कशीट चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस लाइक बटन। थैंक यू।